नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। सर्द मौसम और बारिश की फुहारों के बीच जोशीमठ में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में चल रहे आंदोलन के तहत सोमवार सायं नगर में भूधसाव आपदा प्रभावित लोगों ने एकजुट होकर बद्रीनाथ स्टैंड से लेकर मारवाड़ी चौक तक मशाल जुलूस निकालकर प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन में हो रही देरी सहित गैरसैंण भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र और कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के प्रभावितों के मुद्दों पर अनदेखी के चलते मशाल जुलूस के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं अधेड़ बर्फीली हवाओं के बीच जोशीमठ संघर्ष समिति के कमल रतूड़ी की अगुवाई में जोशीमठ बाजार की सड़कों पर उतरे आपदा प्रभावितों का कहना है कि सरकार द्वारा उनके विस्थापन व पुनर्वास को लेकर देरी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मशाल जुलूस और आंदोलन इसी के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साथ ही विधानसभा सत्र में जोशीमठ आपदा प्रभावितों की अनदेखी की जा रही है, जिसको लेकर प्रभावितों में काफी आक्रोश दिख रहा है। अभी तो यह लड़ाई है, अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।